हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने बाजरा क्रॉप को कवर किया था, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस से अचीव किया। आज हम देखेंगे पार्ट टू बाजरा का, जिसमें इसके हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट और मेजर डिजीज। तो हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ बाजरा, इसमें सबसे पहले है वाइट ग्रब। यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वाइट ग्रब ऐसा दिखता है। अडल्ट आर लाइट ब्राउन, अडल्ट जो होते हैं इसके लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। एक्टिव विद फर्स्ट रेन ऑफ मानसून इन डार्क इवनिंग टाइम, जो मानसून की पहली बारिश होती है और ये शाम को अंधेरा होते वक्त उस टाइम एक्टिव होते हैं ये फील्ड में। रिमेन ऑन ट्रीज एंड ईट लीव्स, गो बैक टू द सोइल बिफोर मॉर्निंग टाइम, और सुबह होने से पहले ये अपने उसमें सोइल में चले जाते हैं और ये ट्रीज के ऊपर रह के इनकी पत्तियों को खाते हैं या ईट करते हैं लीव्स को। उसके बाद व्हाइट लार्वा हैविंग ब्राउन माउथ इज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट सी शेप, इसका ये मेन फीचर है कि ये व्हाइट कलर का जो इसका लार्वा है और इसका ब्राउन कलर का माउथ होता है और इसकी सी शेप में ये लार्वा इसका व्हाइट ग्रब का दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं इन्फेस्ट रूट्स ऑफ बाजरा फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर। ये ध्यान रखना आपको कि इसका इन्फेस्टेशन कब होता है, ये बाजरा की रूट्स को खाता है अगस्त से अक्टूबर तक, और उससे पहले ये क्या जो फील्ड के अंदर ट्रीज हैं उनके ऊपर रह के तब फिर उनकी ये पत्तियों को खाता है और उसके बाद ये सोइल में हाइबरनेट कर जाते हैं। इन्फेस्टेड प्लांट्स गेट येलो एंड ड्राइड अप, जिन प्लांट्स पे इसका अटैक हुआ है वो येलो हो जाते हैं और सूख जाते हैं। इट कैन ऑल्सो अटैक अर्ली क्रॉप ऑफ बाजरा, जो बाजरा की अर्ली क्रॉप है उसमें भी इसका इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसका कंट्रोल। कंट्रोल स्प्रे ऑन द ट्रीज इन फील्ड विद मोनोक्रोटोफॉस 36 SL एट द रेट 0.4% या क्विनिलफॉस 25 EC 0.5%। ट्रीज के ऊपर इन मोनोक्रोटोफॉस 36 SL या क्विनिलफॉस 25 EC को हम इस डोज में या इस कंसंट्रेशन में स्प्रे कर सकते हैं अगर ये फील्ड में दिखाई देते हैं। सेकेंड है, शेक द ट्रीज आफ्टर रेन एंड कलेक्ट द अडल्ट एंड डिप देम इन केरोसिन ऑयल। अगर ये ट्रीज पे आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनको हम ट्रीज को क्या कर सकते हैं, शेक करके हिला के इनको, ये जब अडल्ट इनके जमीन पे आ जाएं इनको इकट्ठा करके कलेक्ट करके केरोसिन ऑयल में डिप करके भी इनको मार सकते हैं। उसके बाद है हेरी कैटरपिलर, ये है बिहार हेरी कैटरपिलर। दो टाइप के हैं, बिहार हेरी कैटरपिलर और रेड हेरी कैटरपिलर। सबसे पहले देखते हैं लार्वा ऑफ दिस इंसेक्ट इन्फेस्ट अंडरसाइड ऑफ लीव्स एंड मेक स्मॉल होल्स इन देम, ये लीव्स के नीचे अटैक करता है अंडरसाइड ऑफ लीव्स और उसमें छोटे छोटे छेद करता है, उसको छलनी कर देता है लीव्स को। उसके बाद हम मूव इन सिंगल नंबर्स एंड ईट लीव्स, ये अकेले घूमते हैं और पत्तियों को खाते हैं। अगर जैसे मतलब ये दो तरह के होते हैं, बिहार हेरी कैटरपिलर, ये जो आपको सामने इमेज देख रही है बिहार हेरी कैटरपिलर की है। हैवी क्रॉप लॉस फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, ये अगस्त से सितंबर तक क्रॉप को काफी नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद है रेड हैरी कैटरपिलर, ये रेड हैरी कैटरपिलर है, ये रिमेन एक्टिव फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ जुलाई टू एंड ऑफ अगस्त, ये जुलाई से अगस्त तक। तो कोई ये चीज ध्यान रखनी, बिहार हैरी कैटरपिलर अगस्त से सितंबर तक एक्टिव रहता है और रेड हैरी कैटरपिलर है वो है जुलाई से अगस्त तक एक्टिव रहता है। उसके बाद इसके कंट्रोल मेजर, इसमें स्प्रे मोनोक्रोटोफॉस 36 SL एट द रेट 250 ML या डाइक्लोरोबोस 76 EC एट द रेट 200 ML या क्विनिलफॉस 25 EC एट द रेट 500 ML इन 250 लीटर वाटर पर एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। रेड हैरी कैटरपिलर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लाइट, सो यूज लाइट ट्रैप आफ्टर फर्स्ट रेन फॉर 1 month। जो रेड हैरी कैटरपिलर हैं ये लाइट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो हम उसमें फील्ड में एक लाइट ट्रैप यूज कर सकते हैं। बारिश के बाद 1 month तक लाइट ट्रैप को फील्ड में रखना है। ले एग्स ऑन लीव्स, अब ये लीव्स के ऊपर अपने जो है अंडे देती हैं, डिफरेंट जो वीड्स हो गए फील्ड में उनके ऊपर भी ये अपने अंडे देती हैं, तो फील्ड से वीड्स वगैरह को क्लीन कर देना है। नेक्स्ट है ग्रेवी व्हील। ग्रेवी व्हील ये आप सामने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरीके से दिखता है। ईट लीव्स फ्रॉम कॉर्नर्स, ये लीव्स को कॉर्नर से खाता है साइड से। इन्फेस्ट फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर, और अगस्त से अक्टूबर तक इसका
लॉस रहता है या क्रॉप को ये लॉस करता है अगस्त से अक्टूबर तक इसका टैग रहता है। कंट्रोल स्प्रे मेलाथियन 50 EC एट द रेट 400 ml 250 लीटर वाटर पर एकड़। ग्रेवी व्हील के लिए मेलाथियन 50 EC को 400 ml और 250 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना है। ये इसके कुछ मेजर इंसेक्ट्स थे बाजरा के। अब नेक्स्ट देखते हैं मेजर डिजीजेस। सबसे पहले है डाउनी मिल्ड्यू। ये इस तरीके से दिखती है डाउनी मिल्ड्यू। इन्फेक्टेड प्लांट्स रिमेन ड्वार्फ येलो एंड व्हाइट पाउडर एट अंडर साइड ऑफ लीव्स। लीव्स के नीचे आपको एक सफेद पाउडर की लेयर जमी हुई दिखाई देगी। जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं वो छोटे और येलो हो जाएंगे। और इस तरीके से ये जो ईयर है या जिसको बाली बोलते हैं बाजरा की हेड, ये इस तरीके से ग्रास के जैसे दिखने लगे। क्रॉप लुक्स येलो इज फ्रॉम फार अवे, और क्रॉप दूर से ही पीली दिखाई देने लग जाएगी। फील्ड अलग से ही पता लग जाएगा। ग्रीन इन्फेक्टेड हेड ईयर्स लुक लाइक ग्रास एंड रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग, और ये लंबे टाइम तक ऐसे ही ग्रास की शेप में हरे रहते हैं जो इन्फेक्टेड हेड या ईयर्स है। हैविली इन्फेक्टेड क्रॉप्स कैन लॉस्ट कम्प्लीटली, और ये पूरी तरीके से अगर इसका ज्यादा इन्फेक्शन है फील्ड में, इन्फेक्टेड फील्ड है, तो पूरी तरीके से क्रॉप फील्ड से डैमेज हो सकती है या लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है अरगोट। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये भी ईयर या हेड्स पे अटैक है इसका। लिक्विड कैन बी सीन इन इन्फेक्टेड ईयर्स हेड्स एंड आफ्टर कलर चेंजेस टू डार्क ब्राउन। एक लिक्विड आपको दिखाई देगा इसके हेड्स में या ईयर्स में, और उसका कलर कैसा होगा, डार्क ब्राउन का, डार्क ब्राउन कलर का होगा वो। आफ्टर फ्यू डेज डार्क ब्राउन नोट्स इन प्लेस ऑफ ग्रेन्स, और ये जो ग्रेन्स हैं इनकी जगह डार्क ब्राउन नोट्स या जिनको पिंड बोल सकते हैं, छोटी छोटी गाँठें, वो इन ग्रेन्स की जगह ले लेंगी ब्राउन कलर के। दीज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक कंजप्शन। ये ह्यूमन या लाइफ स्टॉक कंजप्शन के लिए हार्मफुल है, ये पॉइजनस होता है, ये नहीं खिलाना चाहिए पशुओं को या भी ह्यूमन को, यूज नहीं करना चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसको फील्ड से निकाल के नष्ट कर देना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए। उसके बाद है स्मट। ड्यूरिंग एमरजेंस ऑफ ईयर्स हेड इन्फेक्टेड ग्रेन्स रिमेन इन बिग साइज शाइनी एंड हैव डार्क ग्रीन कलर। ये भी कब आती है, जब हेड्स या ईयर्स का इमरजेंस होता है शुरुआती अवस्था में, उसमें इन्फेक्टेड ग्रेन्स क्या होते हैं, काफी थोड़े वो जो नॉर्मल साइज होते हैं उनसे बड़े होते हैं, शाइनी होते हैं, उनका ग्रीन कलर होता है। आफ्टर सम टाइम कलर चेंजेस टू डार्क ब्राउन, और कुछ समय बाद ही इनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाता है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है या ज्यादा अटैक हो जाता है, इसका सीवियरिटी हो जाती है डिजीज में, तो ये जो डार्क ब्राउन है ये फंगस ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। अब कुछ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज हैं तीनों डिजीज के लिए। सबसे पहले तो ट्रीट सीड्स विद 4 ग्राम थिराम पर एकड़ सीड, पर एकड़ के सीड को थिराम के साथ हमें ट्रीट करना है 4 ग्राम थिराम लेके। इफ सीड इज नॉट ट्रीटेड बिफोर देन ट्रीट सीड विद मेटालेक्सेल 35% एट द रेट 6 ग्राम पर केजी सीड टू कंट्रोल ऑल 3 डिजीज। अगर सीड को परचेज किया और बाजार से उस टाइम ये ट्रीटेड नहीं है, ट्रीट किसी भी कारण से ट्रीटेड नहीं मिलता है, तो मेटालेक्सेल 35% को 6 ग्राम पर केजी सीड के अकॉर्डिंग हम ट्रीट कर सकते हैं। ड्यूरिंग ईयर एमरजेंस स्प्रे क्यूमान एल 400 ml 200 लीटर वाटर पर एकड़। बालियां निकलते टाइम क्यूमान एल को लेके 400 ml 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अरगोट इन्फेक्टेड ईयर शुड बरीड अंडर सोइल। अब ये जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये पॉइजनस है ना, इनको कंज्यूम करना चाहिए नहीं है, लाइफ स्टॉक के लिए रखना चाहिए, तो इनको वहां से फील्ड से निकाल के आप कहीं नष्ट कर सकते हैं या इसको सोइल में बरी कर सकते हैं। आफ्टर अप्रोटिंग डाउनी मिल्ड्यू इन्फेक्टेड प्लांट स्प्रे 0.2% जिनाब और मैनकोजा 500 ml एट द रेट 250 लीटर वाटर पर एकड़। डाउनी मिल्ड्यू से इन्फेक्टेड अगर कोई प्लांट्स है उनको वहां से फील्ड से अपरूट कर लिया। अपरूट करने के बाद 0.2% जिनाब या मैनकोजेब 500 ml को 250 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ग्रुप के साथ। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, नीचे लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।